कृष्णा, तुम इतनी अच्छी बांसुरी कैसे बजा लेते हो? क्योंकि कृष्णा ने सारे सुरों को अच्छे से याद कर रखा है। श्यामू, सब कुछ सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं होता। मुझे यकीन है अगर तुम चाहो तो तुम भी संगीतकार बन सकते हो। कृष्णा, मजाक छोड़ो, भले जितनी भी कोशिश कर ले, हम में से कोई भी इतना अच्छा संगीत नहीं बजा सकता, खास करके श्यामू। अरे वो तो बजाते बजाते ही धुन भूल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे तुम अपना अनोखा संगीत बना सको। हम कहाँ जा रहे हैं? श्यामू के लिए सही साधन ढूंढने। और कहाँ? अरे ये तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? इस बांस के साथ श्यामू के लिए एक बांसुरी बना रहा हूँ। ये लो श्यामू, इसमें फूंक मार के देखो। मुझे पता नहीं कृष्णा, मैं कोशिश करूंगा। शायद बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हम ढूंढते रहेंगे। चलो शहर चले। क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्यामू कोई संगीत साधन बजा पाएगा? बेशक, सभी के लिए कोई ना कोई संगीत जरूर है, हमें बस तुम्हारे लिए सही साधन ढूंढना है। उधर बरगद के पेड़ की ओर। कहाँ कृष्णा, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। चलो दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा, मेरा दोस्त संगीत सीखना चाहता है, क्या हम आपके साधनों का उपयोग कर सकते हैं? आपको पूछने की जरूरत नहीं है कृष्णा, ये लीजिए, एक तारा से शुरू कीजिए। पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा। नहीं ये भी नहीं। ये लो, इसे आजमाओ। हाँ ये आसान लग रहा है, इसे बस हाथ से बजाना है। नहीं कृष्णा, आपके मित्र में ना सुर है ना ताल है, हम और नहीं सुन सकते। अच्छा लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कृष्णा, मुझे लगता है मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब समझ आया कि मुझे क्या करना है। बाबा, क्या मैं ये घंटियों वाली छड़ी रख सकता हूँ? जरूर, इसे लो श्यामू। बांसुरी के साथ तुम अपनी घंटियाँ बजाओ, मेरे सुर से सुर और ताल से ताल मिलाओ। तो शुरू करें? कोशिश कर सकता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम कर पाओगे।